Assalamualaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your social study teacher of grade 4. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publisher. My dear students, in this video, we will talk about imports and imports of Pakistan. तो प्यारे बच्चों, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ अशिया की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरत होती है, आपको इस पेट्रोल की ज़रूरत होती है. जब आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो क्या आप अपनी बाइक में पानी डालते हैं? जी नहीं, उसके लिए भी आपको पेट्रोल की ज़रूरत होती है और मुख्तलिफ प्लास्टिक की भी आपको ज़रूरत होती है और आपको ज़िंदा रहने के लिए भी खाना खाने की बहुत ज़रूरत होती है. तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास ये वसाइल ना हो तो हम क्या करेंगे सूरत हाल में? क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और तरक्की नहीं करेंगे, अपने काम को मुकम्मल नहीं करेंगे, या हम इन चीज़ों को दूसरे ममालिक से मंगवाएंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे? लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम ये चीज़ें मंगवाएंगे तो हम उन्हें पैसे अदा करेंगे. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इम्पोर्ट होता क्या है. माई डियर चिल्ड्रन, इम्पोर्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, एम पोर्ट्स. सो एम मीन्स इन एंड पोर्ट्स मीन टू मूव और कैरी. सो इम्पोर्ट मीन्स टू मूव इन. ऑल द प्रोडक्ट्स वी परचेज फ्रॉम द फॉरेन प्रोड्यूसर इन अ ईयर आर कॉल्ड इम्पोर्ट्स. नाउ आई विल टॉक अबाउट थ्री मेजर इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. नंबर वन, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट. फॉर द इम्पोर्ट ऑफ पेट्रोलियम पाकिस्तान हैज टू spend huge amount of foreign exchange. To fulfill its requirements, Pakistan has to import diesel, petrol, oil. लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि हम किन ममालिक से तेल लेते हैं, किन ममालिक से पेट्रोलियम मसनूआत लेते हैं. तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान और इराक से तेल हासिल करते हैं. लेकिन आप लोग जानते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल फील्ड कहाँ पर है? तो आइए मैं आपको बताती हूँ. वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड सऊदी अरेबिया में है. माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्लास्टिक एंड पेपर. पाकिस्तान इम्पोर्ट्स प्लास्टिक एंड पेपर इन इट्स रॉ फॉर्म एंड देन लोकल मैन्युफैक्चरर मेक डिफरेंट आइटम्स. एंड द नेक्स्ट वन इज फूड आइटम्स. वेल स्टूडेंट्स, वी ऑल नो पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन प्यारे बच्चों, फिर भी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही और हमें मुख्तलिफ चीज़ों की किल्लत का सामना करना पड़ता है और इसलिए हमें दूसरे ममालिक से ये चीज़ें मंगवाना पड़ती हैं. प्यारे बच्चों, अगर हम ये चीज़ें दूसरे ममालिक से मत मंगवाएं तो हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. हमारे मुल्क में कहर भी पड़ सकता है और इन चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफा भी हो सकता है. तो प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन सी ऐसी अशिया जो दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं. नंबर वन, टी. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम अपने घर में दिन में दो मर्तबा चाय पीते हैं. नंबर टू, कुकिंग ऑयल. तो प्यारे बच्चों, क्या कुकिंग ऑयल के बगैर हम खाना पका सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. नंबर थ्री, डेयरी प्रोडक्ट्स. पाकिस्तान हैज टू स्पेंड ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज अपॉन इट्स इम्पोर्ट. तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये अशिया किन ममालिक से ख़रीदते हैं. तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम ये चीज़ें किन ममालिक से ख़रीदते हैं. नंबर वन, अमेरिका. नंबर टू, श्रीलंका. एंड नंबर थर्ड इज मलेशिया. वेल स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल आई हैव फॉर टुडे. I hope you understand this lecture. We will study our next topic in our next video. Stay tuned. Until next time, Allah Hafiz.